दो साल बाद भी इल्जाम साबित नहीं हो सका। हमारा मुतालबा है नैब टीम कैमरे लगाकर सवालात करे। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब किसी भी सियासतदान पर इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा है। राजा परवेज अशरफ को 11 साल बाद बरी कर दिया गया। नैब की वजह से आज हुकूमत और मुल्क नहीं चल रहा। वाज़ह हकीकत है, हुकूमत नाकाम हो चुकी। इमरान खान खुद बता दें कौन उन्हें माइनस करने के इक्तदार में आना चाहता है। हुकूमत नहीं चल रही नैब की वजह से, आज मुल्क नहीं चल रहा। ऐसे हालात में कोई ब्यूरोक्रेट फैसला नहीं करता, कोई शख्स मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इस केस के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के मालकान और अफसरान इस केस में मुलव्वस किए गए हैं, जो कि सारा पाकिस्तान जानता है कि केस नहीं है। लेकिन नैब की खुददारी है, किसी की सुननी नहीं है, मुल्क को तबाह करना है। ये चीजें ज्यादा देर पा नहीं होती। हम आज भी कहते हैं इंसाफ के तकाजे बड़े वाजे होते हैं। चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, उनको कानून का पता होना चाहिए।